जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस। विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य टॉप 1000 प्रश्नों की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसी में हमारा एक अगला वीडियो है। इसके जो आगे वाले वीडियो हैं वो जरूर देखेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो आपको जरूर देख लेना है, और अगर पूरी सीरीज आपने देख ली तो हिंदी साहित्य आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है, और ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। फेसबुक से जुड़ने के लिए आप सुमित जैन सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप सुमित जैन सेल्फ स्टडी सर्च करेंगे, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखें, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? 281 का आंसर बताना है आपको कि दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? अज्ञेय का, जयशंकर प्रसाद का, रामधारी सेन दिनकर, या फिर महादेवी वर्मा का? प्रश्न क्रमांक 281, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? दुख सबको मांझता है, ये जो कथन है ये अज्ञेय का कथन। अज्ञेय यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर सही हो जाए, अज्ञेय हिसाब का, ठीक है। अगला है, हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी किसकी रचना कई बार पूछी गई? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, या फिर सोहनलाल द्विवेदी? तो 282 का आंसर बताना, हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है? तो आपने जो उत्तर बताया है कमेंट में वो बताया है श्याम नारायण पांडे, यानी कि जो विकल्प नंबर सा है वो यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर का, ठीक है। अगला है, लोकायतन किस विधा की कृति है? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नीति काव्य, या फिर गीति काव्य? लोकायतन बताना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है लोकायतन, और ये किस विधा से संबंधित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, लोकायतन है दोस्तों प्रबंध काव्य, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। लोकायतन महापंत जी का महाकाव्य है, ठीक है, तो ये प्रबंध काव्य यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, मैं करूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, है ना, सॉरी, मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, पंक्तियां किस कवि की हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, या फिर दुष्यंत कुमार? किसकी है? 284 का उत्तर हमें बताना है, और 284 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा दोस्तों अज्ञेय। अज्ञेय यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सी है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए? तार सप्तक श्रृंखला में कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए? 5, 4, 3, या फिर 2? तो 285 का आंसर बताना है, और 285 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय द्वारा जो तार सप्तक प्रकाशित हुए इस श्रृंखला में 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, और वह नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? तार सप्तक में, नई कविता में, नए पन्ने, या फिर दूसरा तार सप्तक? आपको पता है कि अज्ञेय जी ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा, और ये राहों का अन्वेषण ये किसमें बात कही गई है? 286 का आंसर हमें यहाँ पर बताना है, तो ये कही गई है दोस्तों तार सप्तक में, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर सही होगा, आ नंबर का। अगला देख लेते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहां चले, ये किसकी पंक्तियां हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल की, नरेंद्र शर्मा की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या फिर भगवती चरण वर्मा की? हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहां कल वहां चले, ये जो पंक्तियां हैं 287 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, भगवती चरण वर्मा, यानी कि जो डी नंबर है वो यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन की रचना है, किसकी रचना है? शमशेर बहादुर, नागार्जुन, त्रिलोचन, या फिर रघुवीर सहाय की? ताप के ताए हुए दिन 288 का आंसर है यहाँ पर हमें बताना है, तो ये किसकी रचना मानी जाती है? और 288 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा किसकी? त्रिलोचन की। त्रिलोचन की रचना मानी जाती है ताप के ताए हुए दिन, ठीक है। अगला है दोस्तों, शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? शकुंतला माथुर बताना है आपको, तो तार सप्तक में, दूसरा तार सप्तक, तीसरा, या फिर चौथा? किस तार सप्तक की में शामिल थी शकुंतला माथुर? तो आपको बताना है, हरि भवानी शकुन करे, शेर नरे रघु धर्म करे। तो 289 का उत्तर जल्दी से बताना है, 89 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका क्या? दूसरा तार सप्तक, है ना, शेर
हरि भवानी सकुन करे शेर नरे रघु धर्म करे, ये इसका कोड है दूसरा तार सप्तक के कवियों का। जब मैंने आप दूसरा जो तार सप्तक आपको पढ़ाया था उसमें आपको मैंने पूरी ट्रिक बताई थी, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, 290 का प्रश्न है, आसान है, सरल है, जल्दी से उत्तर बताने वाला है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, तब आपका 290 का बिल्कुल सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, आ नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची, मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची, अज्ञेय ने, निराला, पंत या फिर महादेवी वर्मा ने। मुक्त छंद की प्रथम कविता बताना है, 291 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है कि जूही की कली ये छंद मुक्त रचना मानी जाती है, मुक्त छंद रचना मानी जाती है निराला जी की प्रथम रचना, 12 नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाणे का धंधा, बैठे ठाणे का धंधा कहा है, तो किस कविता को कहा है, नई कविता, हालावाद, प्रयोगवाद या फिर छायावाद। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाणे का धंधा कहा है, 292 का आंसर बताना है, तो वो किसे कहा है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्रयोगवाद, प्रयोगवाद को कहा, यानी कि जो 7 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समरस थे जल या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था, एक पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस काव्य कृति से है, लहर, झरना, कामायनी या फिर आंसू, तो किस काव्य कृति से है, प्रश्न क्रमांक 293 और 293 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कामायनी। और कामायनी में आपको पता है कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, कामायनी महाकाव्य है, किसका है, जयशंकर प्रसाद का, 1935 इसका रचना काल माना जाता है। अगला है, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार पूछा गया है नई कविता के प्रतिमान, नामवर से लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या फिर अज्ञेय जी, तो 294 का जो आपका राइट आंसर होगा, नई कविता के जो प्रतिमान है वो किसकी है, ये है लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है, लक्ष्मी नई नई आती है, नई नई लक्ष्मी आती जाती है, तो लक्ष्मीकांत वर्मा आपका बिल्कुल सही होगा, नई कविता के प्रतिमान, और कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान ये नामवर से की होगी, कविता के नए प्रतिमान नामवर से हैं और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, कई बार कंफ्यूज होता है इस रचना में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता कौन सी है, तो बताना है आपको व्यंग प्रधान जो रचना है वो कौन सी है, कुकुरमुता, परिमल, अनामिका या फिर अर्चना, 295 का आंसर हमें यहां पर बताना है, और राइट जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुकुरमुता, कुकुरमुता आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, व्यंग प्रधान बहुचर्चित रचना मानी जाती है निराला जी की। अगला है, शिवमंगल से सुमन किस युग के कवि हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या फिर द्विवेदी युग, तो प्रश्न क्रमांक है 296, और राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रगतिवाद, प्रगतिवाद यानी कि जो बी नंबर है वो सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हेमतांगड़ी किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकर्ण शर्मा नवीन, तो हेमतरंगणी के रचनाकार कौन है, 297 का आंसर यहां पर हमें बताना है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हेमतरंगणी, है ना, ये रचना है किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी, और 12 नंबर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। हालाबाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को, हरिवंश राय बच्चन को, नरेंद्र शर्मा या फिर हरिकृष्ण प्रेमी को, हालाबाद का प्रवर्तक बताना है हमें, 298 का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, महादेवी वर्मा या फिर स्नेहमयी चौधरी, तो 299 का आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती, तो किसकी नहीं की जाती, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी या कानों में कंगना, प्रश्न क्रमांक 300 को आंसर बताना है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कानों में कंगना।
कानों में कंगना, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 301 का उत्तर बताना है चांद में, सरस्वती में, माधुरी में या कवि वचन सुधा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और प्रश्न क्रमांक 301 का उत्तर हो जाएगा वी, यानी कि सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, सरस्वती पत्रिका। अगला है दोस्तों आधुनिक हिंदी को प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कैसे माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कैसे माना जाता है, प्रश्न क्रमांक 302। बंग महिला को, उषा देवी मित्र को, होम देवी को या फिर तारा पांडे को। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका माना जाता है तो वो माना जाता है वंग महिला, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली। यथार्थवादी परंपरा की बताना यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद या फिर भीष्म साहनी ने। हिंदी कहानी में यथार्थवाद परंपरा की जो नींव डाली वो किसने डाली, प्रश्न क्रमांक है 303 और 303 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेमचंद, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताई कहानी का लेखक कौन है। ताई कहानी का लेखक यहाँ पर बताना है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ताई कहानी के लेखक कौन है, सुदर्शन, आचार्य चतुर्सेन, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक या फिर विनोद शंकर व्यास। ताई कहानी के बताना है प्रश्न क्रमांक है 304 और 304 का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। ताई कहानी के लेखक है विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, सा नंबर आपका सही होगा। अगला है दोस्तों मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित है। मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में बताना है, प्रश्न क्रमांक है 305 और 305 का उत्तर बताना, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा या पांडे वेचन शर्मा उग्र। तो 305 का आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बा, यानी कि प्रेमचंद। मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं, तो प्रेमचंद की हैं, वी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है। आशा पूर्णा देवी, होमवती देवी, महाश्वेता देवी या फिर कमला दास। इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है, प्रश्न क्रमांक 306 का उत्तर यहां पर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा होमवती देवी। होमवती देवी यानी कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर। अगला है दोस्तों माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है। तो माधवराव सप्रे की कौन सी कहानी है जो हिंदी की पहली कहानी के रूप में इसकी चर्चा की जाती है, तो जल्दी से बताएं। चार विकल्प हैं, तो आपने पढ़ा है, मैंने विस्तृत रूप से जब पढ़ाया था, टोकरी भर मिट्टी, ये माधवराव सप्रे जी की कहानी है ना, और हिंदी की पहली कहानियों में इसकी चर्चा की जाती है, तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। तो बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो ये पंक्ति जो है किस कहानी की है आपको बताना है, पुरस्कार, आंधी, इंद्रजाल या फिर आकाशदीप, किसकी है। तो आपका राइट आंसर बताना है 308 का उत्तर और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आकाशदीप। आकाशदीप यानी कि जो जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप, और इसकी ये पंक्ति है कि बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निद्रा खुलने पर। ठीक है, ये है। इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, पत्नी, सुखमय जीवन, ठाकुर का कुआं या फिर खेल। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की कहानी कौन सी है, तो राइट आंसर है आपका ठाकुर का कुआं, यानी कि जो सा नंबर है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। अगला है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कितनी कहानियां लिखी, 3, 4, 10 या फिर 1। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, कहा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि है जिसने मात्र 3 कहानियां लिखी और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गया, वो कवि कौन सा है। वो कवि है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी। ठीक है, ये याद रख लेना है, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 इनकी कहानियां हैं और हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हो गए गुलेरी साहब। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है, 84 वैष्णव की वार्ता में,
सरस्वती में, बामा मनोरंजन में या फिर कथा कुसुम कलिका में। तो हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है, प्रश्न क्रमांक 311, और 311 का आपका उत्तर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो किस पत्रिका ने निभाई, सरस्वती ने, चांद, माधुरी या फिर प्रभा ने। 312 का आंसर बताना है। तो आपको पता होगा कि सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चिंतामणि घोष। ठीक है, चिंतामणि घोष थे। श्याम सुंदर इसके प्रथम संपादक थे। 1903 में सरस्वती पत्रिका के जो संपादक बने वो बने महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने रहे। ठीक है, तो हिंदी की जो प्रचार प्रसार में, हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो सरस्वती पत्रिका ने निभाई। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों, ये फ्लैशबैक शैली में लिखी गई रचना है, उसने कहा था, और ये आपको बताना है कि कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया तो किसे माना गया, प्रश्न क्रमांक 313 का आंसर बताना है। और राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, उसने कहा था, आ नंबर। ठीक है, ये तीनों रचना, ये तीनों कहानियां, उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, ये तीनों रचनाएं गुलेरी साहब की हैं। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है, 4, 2, 8 या फिर 3। मानसरोवर में प्रेमचंद जी की कहानियों का ये संग्रह माना जाता है, लेकिन आपको बताना है कि कितने भागों में प्रकाशित है, प्रश्न क्रमांक 314, और 314 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 8 भागों में, यानी कि जो सा नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है, गुंडा, पुरस्कार, ममता या फिर ग्राम। 315 का आपको उत्तर बताना है, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है। तो जल्दी से कमेंट में लिखें, आ वा सादा, और उत्तर हो जाएगा दा ग्राम। ठीक है, ग्राम आपका सही होगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है। रानी केतकी की कहानी का लेखक बताना है, किशोरीलाल गोस्वामी, इंसा अल्लाह खां, राधिका रमण प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद। 316 का उत्तर, रानी केतकी की कहानी के जो रचयिता हैं वो है कौन, इंसा अल्लाह खां, यानी कि जो बी नंबर है वो यहाँ पर राइट होगा। अगला है, दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला, शिवरानी देवी, उषा देवी या फिर तारा पांडे। 317 का आंसर दुलाई वाली बताना है, 317 का आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बंग महिला। बंग महिला यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजा निर्वतिया कहानी का लेखक कौन है। मोहर राकेश, कमलेश्वर, यशपाल या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। राजा निर्वतिया कहानी का लेखक बताना है, प्रश्न क्रमांक 318, और 318 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों कमलेश्वर। राजा निर्वतिया कहानी के लेखक है कमलेश्वर। ठीक है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। आपको बताना है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम अमृत राय, धनपत राय, श्रीपत राय और दलित राय, ललित राय। तो प्रेमचंद जी का जो वास्तविक नाम था, 319 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि धनपत राय इनका वास्तविक नाम था। जब इनकी सोजे वतन, सोजे वतन एक इनकी रचना थी, अंग्रेज सरकार ने इनकी सोजे वतन रचना को जब्त कर लिया। फिर जमाना पत्रिका के संपादक थे दया नारायण निगम, और इन्होंने जो है धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया, प्रेमचंद। ठीक है, और ये प्रेमचंद उपनाम से लिखने लगे, तब से इनका नाम प्रेमचंद चल गया। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय, इनको जो उपनाम दिया वो जमाना पत्रिका के दया नारायण निगम साहब ने दिया। ठीक है, याद रखना है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष, रजनी वाला घोष, रजनीकांता घोष या फिर राम प्यारी घोष। प्रश्न क्रमांक 320, बंग महिला का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, तो वो था दोस्तों राजेंद्र बाला घोष, यानी कि जो आ नंबर है वो यहाँ पर सही होगा, आ नंबर। ठीक है, हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक का लेखक कौन है। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक बताना है, इंद्रनाथ मदान, अज्ञे
देवी शंकर अवस्थी या फिर राजेंद्र यादव, 321 का आंसर बताना है। और 321 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, देवी शंकर अवस्थी, सा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है साहब, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? सिक्का बदल गया, मलबे का मालिक, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, या फिर उसने कहा था। 322 का उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कहानी है दोस्तों, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, आप जरूर एक बार पढ़ना। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म बताना है आपको, प्रश्न क्रमांक है 323, और 323 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कहाँ हुआ था? लम्ही, लम्ही यानी कि जो आ नंबर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? कफन का लेखक बताना है प्रेमचंद, यशपाल, श्रीलाल शुक्ल, या फिर भीष्म साहनी। 324 का आंसर बताना है, कफन का लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद, आ विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, हिंदी कहानी की अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, ये पुस्तक के लेखक बताना है, प्रश्न क्रमांक 325 का, और 325 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करना है अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में मित्रों तक। रोज रात्रि 9 बजे आपकी क्लास होती है हिंदी साहित्य की, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो निरंतर चल रही है। आपको सिर्फ करना क्या है, कमेंट में बताना है वीडियो कैसा लग रहा है, अपने मित्रों तक शेयर करना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करना है। और UGC नेट और PGT RPSC एग्जाम वालों के लिए वीडियो बिल्कुल रामबाण है। जिस तरह से अध्ययन चल रहा है, अध्यापन चल रहा है, वो आपके लिए उपयोगी है। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं आप सुमित जैन, सर्च करें। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, है ना, जय हिंद।